and stuff like that. Yeah. Pretty cool. कैसे रोहित मिश्रा भाई वो सब? मैं तो बहुत नींद में हूँ। यो बलराज, वो सब बलराज भाई, भाई स्पेस पे हूँ मैं। अरे कुछ ऐसा मत बोल देना जो हम बोलते हैं बाद, स्पेस एंड होने के बाद। हाँ भाई, आ गई पजामा आपके। पजामे आ गए ना, ठीक है। कैसे रोहित भाई? भाई अच्छा हूँ भाई। आप लोग साथ में रहते हो क्या, आप और बलराज? मतलब वी आर टूरिंग, इट्स एन वी आर टेकिंग अराउंड टू राजा एवरीवेयर। अभी हम लोग पांच जन ट्रैवल कर रहे हैं। वी आर गोइंग अक्रॉस डूइंग लेटेंट एवरीवेयर। तो हमने लेटेंट शूट किए दो और दिल्ली में, एंड उसके बाद मेरे तीन स्टेडियम शो थे। तो मैंने कहा रुक जाओ, पार्टी वार्टी मारते हैं और फन करते हैं यार, मस्त चल रहा है लाइफ यार। तो मैंने कहा दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, लेट्स गो। अरे भाई यही मजा है यार, मतलब साथ में घूमना फिरना, देखना कि क्या हो रहा है शोज में और अलग अलग एक्सपीरियंस करना। लेकिन दिल्ली का लेट एंड वॉज क्लियरली डिफरेंट ना भाई, वो अलग ही जोन में यार सब लोग, ऑडियंस तो अलग ही सीन। ऑडियंस भाई, वन थिंग दैट दिल्ली में सबके पास है वो है कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट लेवल। हाँ उसके बाद है फिर जो है, अगर है, अगर टैलेंट है कि नहीं है कौन। लेकिन हाँ, रोहित मिश्रा देख रहा है क्या, नमन अरोड़ा के 2 लाख हो गए भाई। हाँ भाई बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। और लेटेंट पे आ जा तू भी भाई अब। हाँ भाई, मुंबई में कोई मेरा आना हुआ तो मैं आऊंगा भाई यही है मेरा चांस अटैक करियर इन कॉमेडी अब लग रहा है क्या क्या क्या, यही है मेरा चांस अटैक करियर इन कॉमेडी। बट भाई जेन्युइनली आई वाज सरप्राइज भाई, नमन अरोड़ा पता है उसके 2 लाख तो हो ही गए, उसको इतने ब्रांड्स कॉल, मुझे इतने सारे ब्रांड्स ने मैसेज किया है कि कैन यू कनेक्ट मी टू नमन अरोड़ा, एंड इतने सारे लाइक यूट्यूब इंडिया डिड अ कोलैब विद हिम टुडे। क्रेजी भाई, क्रेजी, एंड एवरीबॉडी इज रूटिंग फॉर हिम, जो भी देख रहा है उसको। हाँ आई थिंक अब बस बोल्ड गेट भाई, जो भी उनको नहीं देख रहा है वो कुछ मिस आउट कर रहा है ऐसा लग रहा है। I'm like brother, वो जो कमेंट करते हंसना था क्या, हंसना था क्या, come on man, like oh is it only me who didn't find it funny, why is it so overhyped? So I'm like yes, he has made it. The thing is humor is said to be a sign of intelligence. I mean yeah, humor is subjective also, but I think it's just like they have not seen character comedy maybe, so they just want someone's, you know. But now when you're getting exposed to it, why be salty? Because people, see, I'll tell you one thing. People love to make heroes, and once they become a hero, people love to pull them down. Make villains also. Yeah. मतलब जलन है ना, तुमसे जलते हैं लोग. तुमसे जलते हैं लोग. सिखाओ हमें भी तरीका. क्या हो अगर जलन ना हो? People are just jealous. You have to realize that. समझ मेरे भाई, वीर भाई, तो कहाँ करते हैं आप प्रचार? हम प्रचार पूरी दुनिया में करते हैं, बस आप जैसे लोगों का। अरे क्या करते हैं आप भाई? मैं तो अपनी एजेंसी रन कर रहा हूँ ना फुल टाइम। अच्छा, यू वर्क विद क्रिएटर्स? यस, यू रिमेम्बर हेल्प करी थी मेरी उस टाइम अनअकैडमी वाले टाइम, सीईओ से बात करके। अरे या अनअकैडमी ने आपको कुछ पेमेंट का चल रहा था इशू? हां वही 7-8 लाख रुपए काम आए मेरे। अरे यू आर वेलकम मेरे भाई, आई एम सो ग्लैड दैट यू गॉट द मनी, दे आर गुड गाइस, गौरव भाई इज अ वेरी नाइस पर्सन यार। यस, वो शॉर्ट हो गया था उसी टाइम। बहुत सही ब्रो। वीर भाई क्या कर रहे हो आजकल? भाई मेरी जो एजेंसी है क्रिएटर्स मेला, उसी को रन कर रहा हूं। जहां पे कौन है आपके क्रिएटर्स? भाई नॉर्थ इंडिया के 25+ क्रिएटर्स हैं, जैसे कि लक्ष्य, दीप, हर्ष। अच्छा लक्ष्य चौधरी? या अरे यू मैनेज हिम? यस ब्रो। अरे अच्छा, आई नो हिम वेरी वेल। Yes, बढ़िया यार वीर भाई, क्रेजी। कैसे चल रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सही चल रहा है?
हाँ ब्रो, अभी तो मतलब नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं, जो स्टार्टअप्स हैं वो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एंटर कर रहे हैं, तो बहुत सही चल रहा है सारी चीज़ें। इवन तो आरएमजी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वो भी सही से वर्क कर रहे हैं। बेटिंग वाला हट गया है इंडिया के मार्केट से काफ़ी तरीके से, तो अच्छा लग मैं रहा है तो मार्केट में सारे बेटिंग को मना किया भाई अभी तक। ना। स्टेक वाले पीछे बड़े होंगे ना, वो प्रीमियम सब प्रोफाइल ढूंढ सब रहे हैं। वन विन स्टेक बेट थ्री पता नहीं कौन कौन सा इतने। और पता है प्रॉब्लम क्या है, पता है भाई, आप ब्रांड मैनेजर हो ना भाई, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी ब्रांड मैनेजर इस सुन रहा है, मुझे प्लीज मेल मत किया करो बेटिंग का, और अगर करो तो मुझे ये मत बताया करो कितना पैसा मिल रहा है मुझे, क्योंकि वो मना करने में बड़ा दुख होता है दुख होता। कि अरे मैं अपने स्टेक 20 साल की रेंट मना कर रहा हूँ। पता, स्टेक वाले और वन जस्ट विन फॉर वाले सम मेरे आई साथ। थिंक हाँ बोलिए। नहीं। हाँ तो वन विन वाले और स्टेक वाले मेरे साथ कनेक्टेड थे। वन विन वाला बोल रहा है कि समय के शो में खाली हमारा ना ब्रांड प्लेसमेंट करवा दो, जो अभी लेटेंट वाला है ना लोगो लगवा दो, बस उससे जो बोलेगा वो हम कर देंगे। मैंने मैनेजर वगैरह से बात करी थी, मैं कहा ब्रो समय वेटिंग नहीं कर रहा आजकल, तो बोला पहले उसने कर भाई रखा है। मैंने मैंने कहा कभी जाके नहीं पूछ करी है लिया। बेटिंग ब्रो। द प्रॉब्लम इज मैंने रफ्तार भाई को एक ना उनको वो मेरे घर आए थे, उनने मुझे कहा था कि मुझे स्ट्रीम करने में हेल्प कर दे, मेरे को आता नहीं है OBS चलाना। तो आई हैड नो क्लू कि क्या स्ट्रीम है क्या नहीं है। ही सैट ही ओपन एंड ही सेड स्टेक एंड आई वाज लाइक ओके नाउ आई कांट पुल बैक इज माय ब्रदर। क्या भाई मतलब, रफ्तार भाई मेरे सबसे क्लोज आदमी है जो क्या क्या नो मतलब, कलमकार वालों ने तुम्हारे ऊपर स्टैक से पैसे उठा लिए भाई? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ब्रो, मैंने भी उनके साथ उठाए कितनी बार, वो आते हैं आई इंडिया गॉट टैलेंट में आए थे, तो वो आई डोंट लुक एट इट लाइक दैट, आई लुक एट इट ब्रो लाइक जस्ट जोकिंग, आई नो आप नहीं करते बेटिंग। मैंने तभी तो कभी हाँ पिच भी नहीं किया, इवन तो मैं आपके मैनेजर को भी नहीं बोलता मैं कोई नहीं मुझे आता आते हैं पिच पर, मुझे बस ये मत बताया करो कि कितने कि पैसे कितने दे रहे हैं पैसे वो, मिलते हैं ना। क्योंकि मुझे ठीक है फिर भाई, थोड़ा तो सोचता हूँ मैं रात को कि भाई मैंने 70 लाख रुपए मना कर दिया ऐसे ही। अच्छा समय भाई एक बोल्ड किस्म केयर यार, का बोल्ड केयर प्लीज गिव ब्रांड वन यार ब्रो। यस ब्रो, डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड ऑलवेज इट्स द बेटिंग एप्स दैट हैव लाइक फक यू मनी, यू नो 20 लाख रुपए ले लो, 4 स्टोरी डाल दो समय होली भाई। फक, होली आई एम लाइक फक। डोंट टेल मी यार, डोंट टेल मी, जस्ट डोंट टेल मी, आई विल गिव इन मैन। यू जस्ट लेटिंग पीपल नो योर क्रिप्टोनाइट, अब सबको पता चल गया भाई। या मुझे तो वो भी आदिवासी हेयर ऑयल, यू नो आई वेंट एंड आई वेंट टू द प्लेस, ओ रियली, या फक, आई हैड उनका मैंने व्लॉग, आई हैड नो आइडिया, देन आई वेंट एंड आई व्हाट एवर आई सॉ देयर आई विल टेल समडे, नॉट टुडे, टुडे इज नॉट द डे, बट इन 2 years, इवन बलराज वाज विद मी। वन थिंग्स फॉर श्योर, आई गॉट हेयर लॉस आफ्टर अरे दैट। यार शट अप यार बलराज, डोंट डोंट अरे स्ट्रेस हो गया है। मतलब इट वॉज अ वाइल्ड एक्सपीरियंस। इफ यू एवर मीट मी इन रियल लाइफ डेफिनेटली आस्क मी अबाउट द आदिवासी हेयर ऑयल स्टोरी, आई कैनॉट टेल यू हियर बट आई विल टेल यू इन पर्सन। डन भाई डन, श्योर। मैं भी डीएम कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे तो काम की चीज है, बता बट देना। एक अच्छी बात यह है कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स बहुत सारे अभी आ रहे हैं, जैसे बोल्ड केयर इज देयर ऑन लेटेंट सून, ओ सॉरी आई जस्ट रिवील्ड व्हाट विल हैपन, वी हैव स्पिनी विद दिस वेरी नाइस कार ब्रांड, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड आ रहे हैं यार अभी, बहुत सारे हॉट यू नो हॉटस्टार। फाइनली फाइनली भाई, यू नो मेरे को हमेशा से यही एक चीज थी कि ब्रांड्स वर वेरी एनल अबाउट, गाली नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, वैसे नहीं हो सकता, अभी इतना फट रहा है ये वीडियो दैट नाउ ब्रांड्स आर सडनली ओके विद एवरीथिंग। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि मतलब एक ही एपिसोड का वो इशू हुआ था जहाँ पे मतलब हम लोग है ना इतने मस्ती मस्ती में बह गए कि हमने रियलाइज ही नहीं किया कि कहाँ से कहाँ ट्रेंडिंग पे पहुंच गया, ये हो गया वो, कुछ भी चल रहा है यार, मतलब दुनिया क्रेजी हो गई है। वही है ना ब्रो, इफ यू जस्ट डू इट ऑनेस्टली एंड इफ यू रियली फील इट देन इट हैपन। मुझे तो कितने लोग भाई, इतने अपने अपने मैनेजर्स, मेरे खुद के मैनेजर, खुद के टीम बोलते थे समय यार गाली कम दिया करो, ऐसे मत किया करो, ये मत किया करो, थोड़ा फैमिली फ्रेंडली रखो, थोड़ा कॉपरेट रखो, थोड़ा बॉस के बारे में बोलो, तुम्हें कॉपरेट शो नहीं आएगा, तुम्हें ये मेरे को, मैं हमेशा से उनको बोलता था जस्ट लेट मी डू मी, जस्ट लेट मी बी, जस्ट मेरे को करने दो भाई, जस्ट शट द फक अप, let me do and we'll figure it out, and now they are the ones who are saying bhai badhiya idea hai, he's our artist, main ke thode वो एक दूसरे को बोल रहे हैं, देखा मैंने बोला था उसको। हाँ।
तो आई थिंक इट्स टच वुड यार. काजल आई आल्सो कॉमिक? नहीं नहीं नहीं, मैं पोएट्री करती हूँ कभी कभी. वैसे मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ आईटी में. दिस इज चंडीगढ़ लाफ क्लब ना? हाँ, ये ऐसे ओपन माइक है, मुझे ज्यादा नहीं करती कभी कभी. अरे पर मुझे आपके शो पे आना था. सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए. मुझे आना था शो पे, मुझे पता ही नहीं है कैसे आना है. मैं एक फॉर्म डालते रहता हूँ इस पे, गूगल फॉर्म ना, अपने इंस्टा पे, वो देख के आप आ सकते हो उस पे. आप ट्विटर पे भी डाला करो ना. ट्विटर पे? अरे मैं ट्विटर यूज, मैं ट्विटर और रेडिट मैंने अनइंस्टॉल किया था. मैं ये स्पेस के बाद फिर अनइंस्टॉल कर दूंगा. मुझे बस किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था, अमित टंडन जी हैड ट्वीटेड समथिंग अबाउट मी, सो आई जस्ट केम टू रिप्लाई ऑन दैट एंड देन आई थॉट आई वाज फीलिंग गुड, सो आई जस्ट डिड अ स्पेस. आई विल डिलीट ट्विटर अगेन आफ्टर दिस. ओके ओके ठीक है. आई थिंक ट्विटर एंड रेडिट आर जस्ट टू वेरी नेगेटिव प्लेटफॉर्म्स भाई. मतलब इन जनरल इट इज जस्ट फुल ऑफ नेगेटिविटी. वो तो आप देख रहे हो ना. नहीं वही है इस पे, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों पे बेस्ट पॉइंट मिलता है भाई फॉर अ सोशल मीडिया. क्या मिलता है? बेस्ट पॉइंट मिलता है ट्विटर और रेडिट पे. ये देखो भाई रोहित मिश्रा जेनुइन सच है भाई, पॉजिटिविटी. अभी मैं अगर मेरा भाई होता ना वो तो खुश हो जाता. क्यों पॉन मिलता है बोल के? एक तो ना मैंने जब ज्वाइन किया ना, आप लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, मैंने कहा ज्वाइन कर लिया. फिर मैंने कहा रुक जा, वेट करती हूँ अगर बात हो जाए तो. बिकॉज मेरे को अच्छा लगता है, मतलब आपकी कॉमेडी वॉमेडी ठीक है, गालियां वालियां मैं कम देती हूँ, पर हाँ चलो थोड़ा अकेले में सुन सकता है बंदा. हाँ, भाई तो सब कुछ नहीं देख सकते. सब कुछ भाई के साथ ही देखना है ना. लेकिन नहीं वो मुझे मतलब हमारा थोड़ा, मैं हरियाणा से हूँ और गांव से हूँ, तो थोड़ा हमारा कल्चर ऐसा रहा है कि बड़ा लंबा लंबा जी लिया है आप तो काजल. हाँ मैं काफी लंबा ही जी हूँ और हम तीन बहने. क्या बात है यार. तो योर ब्रदर हरियाणा में लड़कियां नहीं है. योर ब्रदर मस्ट बी द यंगेस्ट राइट? यस ही इज. यस दैट्स वेयर द फैमिली स्टॉप्ड. दैट्स वेयर दे स्टॉप ट्राइंग. Finally, the mission accomplished. We can now stop. Mostly, सबके ऐसा ही है. Mission control. The bomb has been planted. Fire in the hole. बस करो. Sorry, यार काजल जी. कोई बात नहीं. है तो है. जो सच्चा वो सच्चा. पर नहीं यार. तो आपको positivity मिल रही है Twitter पे? मैं कम किसी को नहीं मिलती भाई पॉजिटिविटी. मैं इतना यूज नहीं करती ट्विटर भी. मैं बस कभी-कभी यूज करती हूं. सी ट्विटर एंड रेडिट आर एक्चुअली नॉट इवन अ रियल प्लेस यार, दे आर जस्ट ओपिनियंस ऑफ पीपल व्हिच आर क्या बोलते हैं एग्जैजरेटेड. नो वन इन रियल लाइफ विल टॉक टू यू अबाउट एनी इशू द इंटेंसिटी दैट इट फील्स लाइक ऑन ट्विटर और रेडिट. The best way कि Twitter को use करने के लिए कि you know by parody account बना के कोई और account का, I think that's the best way of using Twitter. Yeah. Someday Rahul, when I have my क्या बोलते हैं, how do I be polite about this? No no you don't. नहीं someday yes. When I sell fire tickets Rahul, I will also make parody account and fuck around on Twitter. अभी एक बार मैंने वैसे कभी किसी को इतना ज्यादा रिप्लाई नहीं किया ट्विटर में, पर एक बंदे ने लिखा, अरे एक बंदे ने लिखा हुआ था कुछ, तो ये कुछ जातिवाद टाइप का चल रहा है ना, तो उसने लिखा कि कुछ परशुराम टाइप का चल रहा था, तो हम तो हैं भाई ब्राह्मण, तो वो लिखा ये सब बातें क्या है यार. आई डोंट रिलेट. काजल जी आई वुड लव टू सी यू इन लेटेंट यार. काजल जी अरे मैं आऊंगी अभी, देखते हैं. मैं इंस्टाग्राम करती हूँ इंस्टॉल, फिर आऊंगी मैं. अच्छा आपको इंस्टाग्राम नहीं है, आपके पास ट्विटर है? नहीं मेरे पास इंस्टाग्राम भी है, मैंने कुछ टाइम के लिए डिलीट किया था. तो क्यों? अभी ऐसे ही कर दिया था. कुछ कारण? नहीं ऐसा कोई कारण वारण नहीं है, मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ. बहुत सही है. मैं तो और क्या डिलीट किया मैंने एक्चुअली, स्विगी, जोमैटो,
ट्विटर और रेडिट, ये चार मैंने डिलीट मारे थे अभी लास्ट 4-5 दिन पहले ही। और क्या डिलीट करना चाहते हो? कुछ नहीं, आई थिंक दैट्स ऑल द नेगेटिविटीज इन माय लाइफ। एक तो मेरे ट्विटर पे ना वो सब आने लग गए थे बस फाइट वीडियोस, कलेश कलेश, मतलब कहीं कोई मर रहा है, कोई कहीं पानी में गिर गई एक औरत वो बाहर ही नहीं आई, फिर एकदम ऐसे सैड चीजें आ रही थी बस मेरे को ना, कोई किसी के रैप पे लगा रहा है जाके, कोई किसी के रैप पे, ए पागल है क्या, हस्बैंड कॉट चीटिंग, फिर उसको लाफ है मार रहे हैं, कोई डंडे पड़ रहे हैं, मतलब यही सब आ रहा था भाई मेरे। थिंग्स दैट दिस इज द एल्गोरिथम दैट इट हैज टू शो यू। हां मतलब इन जनरल कुछ भी कोई डालता है था उसके नीचे लड़ाई, नमन अरोरा पे मैंने हेट देख लिया, तो मैंने सब सब देख लिया है मैंने। हां हां पागल है लोग भाई, लोग ना मैं बता रहा हूँ, पता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि फ्रस्ट्रेटेड है ना अपने देश में बहुत लोग यार, क्योंकि जॉब्स नहीं है, काफी काम नहीं है, काफी कुछ थोड़े थोड़े फ्रस्ट्रेशंस हैं, और उसके ऊपर अब 5G मिल गया है सबको, तो उनका सब बाहर आ रहा है अब भाई। तो फिर आप वाईफाई क्यों लगाते हो? सच में एपिसोड बड़ा सही था सब में, ये वाला बहुत बहुत क्रेजी था, बहुत मजा आया, बहुत एपिक था भाई। सी टाइप चालू है। Yo Moni, what's up? Hi Sameer, how are you? All good, long time. Yeah, you remember last time we had an interaction? Yeah, but I forgot what we talked about then. Yeah, we were just talking about that even if I'm not Gen Z, then why did I have Gen Z jaisi photo se muh chupa rakha, if you remember. yeah. But then you had given a good reason. Yes, I gave something about positivity. But aajkal India ke upar bhi bahut hate aa raha hai na Twitter pe. अरे आप लेकिन जो एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं ना समय कि आपको जो आ रहा था, इट इज बेसिकली यू नो डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू लाइक, सो यू मस्ट बी लाइकिंग दोस ट्वीट्स फ्रीक्वेंटली, तो आपको आई डोंट लाइक एनी ऑफ द ट्वीट्स, आई ओनली लाइक चेस ट्वीट्स, आई ओनली लाइक द हैप्पी स्टफ, बट इट्स नॉट अबाउट लाइकिंग आल्सो, आप खोल के अगर वीडियो पूरा एंड तक देख रहे हो तो ट्विटर को समझ आ रहा है दैट यू आर लाइकिंग, मतलब यू आर इंटरेक्टिंग। सामने अगर एक बंदे को लाफे पड़ रहे हैं क्योंकि उसने अपनी बीवी पे चीट किया है, तू एंड तक नहीं देखेगा क्या? You want to मतलब but Twitter को तो ये लगेगा that you are interested ना, because you're watching it completely. I am interested, but don't show it to me. No, you're not interested. You are just stop. You can't move on. I want an app which knows what you're interested in and does never shows you that. So LinkedIn. That way you are also learning something new every day and also not addicted. But then what you are interested in keeps changing na, matlab now a lot of people are interacting with latent wala content hai na, then when cricket world cup aayega log cricket wala dekhenge, so it is, that is why the algorithm keeps learning. No, but why every day? I come on, you cannot disagree, everyone loves to watch Kalesh. True, theek hai, that's the reason Big Boss is the biggest show in the country, theek hai, sabko maza aata hai Kalesh dekhne mein, to वो तो सबको ही दिखेगा, और सबको जैसे दिखेगा लोग एंड तक देखेंगे, और जब एंड तक देखेंगे वो वही दिखाएगा, तो जस्ट अ नेगेटिव साइकिल। मतलब यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ टू इंटरैक्ट, फिर ही जाके वो क्लीन होगा थोड़ा फील। अगर आप सेल्फ कंट्रोल होता तो मैं अभी 100 किलो का हो गया रहता क्या लाइफ में? हाँ, वो तो है, सेल्फ कंट्रोल ही तो नहीं है ना यार, दैट्स द बिगर इशू, दैट्स द अम्ब्रेला। मैं तो पता है कहीं मैं वेट लॉस के लिए किसने मुझे बोला कि चम्मच से खाया करो या फोर्क से खाया करो, ताकि तुम धीरे धीरे खाओ और उससे तुम्हारी माइंड को ऐसा लगे कि तुमने बहुत खा लिया है। और फिर मैंने वो किया और फिर मुझे लगा मैं कितना बड़ा चूतिया हूँ कि मुझे बहनचोद हाथ से मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ खुद को, कि अब मुझे ब्रेन को ट्रिक करना पड़ रहा है बहनचोद की कम खाओ। अरे नॉर्मली कम खाना भाई, ऐसा क्या मेरे को बीमारी है कि मुझे ट्रिक ही करना पड़ रहा है? सो देयर इज जस्ट नो सेल्फ कंट्रोल। आप 100 किलो के हो क्या? हाँ 100 किलो का हूँ मैं, यस आई एम ग्लैड, आई एम सरप्राइज, इतना मैंने मोनोलॉग मारा इसको बस मेरा वजन पे शौक है अभी तक। मुझे ये पूछना था कि ये कौन था ज्ञान देने वाला बाबा जिसने बोला था कि चम्मच से खाओ ये खाओ? अरे था कोई तो यार दोस्त हो मेरा, नहीं इट मेड सेंस, इफ यू ईट फ्रॉम अ स्पून यू गेट फुल, आई मीन यू फील फुल बाय ईटिंग द सेम अमाउंट दैट यू वुड ईट। But if you observe ये latent वाला जो भी episode आप देखोगे, so what I was observing in the last episode कि आप पूरे time starting से end तक आप खा रहे थे, so that might be the reason of the नहीं नहीं यार वो तो वो, अरे यार ठीक है यार कम करूँगा अभी।
भाई लेकिन अभी तक कोई ऐसा आया है क्या कि ये 20 किलो खाना मैं 30 सेकंड में खा जाऊंगा? हाँ, उसका नाम है समय रहना। नहीं पर ऐसा नहीं आया, अजीब अजीब लोग आए हैं। किसने कराटे करी, एक बंदे ने कहा कि मेरा टैलेंट है मैं एक छेद में दो छेद डाल के दिखाता हूँ। फिर उसने अपने हाथ से गोल बना के अपने नॉस्ट्रिल्स के ऊपर रख दिया। वाह, मजा आ गया। क्रेजी क्रेजी लोग आए भाई। ऐसा बंदा जीत जाए तो मजा आ जाए ना। नहीं, ऐसे बंदे आते हैं तो हम सब हार जाते हैं। लेटेंट की हार आ रहा है, वो सब आ रहा है कोई क्या? ट्यूबलाइट खाने वाला इंसान? ट्यूबलाइट खाने वाला नहीं, एक बंदा है। उसने बोला था कि मैं तलवार खा लेता हूँ पर मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने कहा नहीं करना ये, फिर मैंने कहा ये मत करना भाई। हम सब ने उसको 10 नंबर दिए, कटा लिया उसको फटाफट। उसका शायद नीट में रिजल्ट खराब आया हुआ। अजीब अजीब लोग आते हैं भाई। एक बंदा आया, कहता है कि मैं एक हाथ क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, दूसरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, ये मेरा टैलेंट है। आते हैं अजीब अजीब। कितना बढ़िया टैलेंट है यार, बताओ कहाँ काम आएगा ये टैलेंट भाई। वैसे भी द शो रिवॉर्ड सेल्फ अवेयरनेस टैलेंट से ज्यादा, तो अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो सही है भाई। अच्छा कुछ लोग आते हैं, एक बंदा आया वो बहुत टैलेंटेड, लेकिन उससे बात ही नहीं करी गई। मतलब इट्स बहुत रेयरली, तुम्हें पता नहीं है 5 घंटे का फुटेज कट के बनता है एक एपिसोड। भाई मुझे बस एक चीज समझना है, जैसे आप चिपक जाते हो ना कभी कभी ये कलेश वाले वीडियो पे, इस पे उस पे, why are people watching latent? मतलब because it's so unpredictable, I feel anything can happen just to see the end, just to see, no not the end, like end of each participant, उसके साथ क्या होता है मतलब। yeah of course they want to see the interaction, I feel, and they also, it is like you never know what's happening, you never know, it's not like ki this is going to happen exactly in every show, so I think that's all they want to see, unpredictability, constant surprise, people love surprises, mind dopamine milta rehta na, aise surprise hote rehte ho, to bas the same reason why you love chess. No, actually talent or luck dono hona chahiye to win a latent, I think wo kisi aur show mein nahi hota, koi log talent se jeet jata, but I think latent bhi talent aur luck dono chahiye, and it's an unfiltered show also, no, so we don't say as audience, I would say ki more than the performance I like the interaction between the performers and the judges, mujhe wo zyada acha lagta hai ki sach bata rahi hu, mereko wo zyada funny lagta hai, kai baar performance ek tikki hoti hai fir interaction ekdam spice up ho jata hai, correct correct, but every now and then you have like a talented person who's like नमन अरोरा है या फिर वो रैपर आया। नो द लास्ट वन whom you invited on 7th December ना, वो तो बेस्ट था यार, मतलब he was candidly, तो वही है ना, तो इट्स अगेन इट्स अनप्रेडिक्टेबल राइट, यू नेवर, यू डिडंट एक्सपेक्ट दैट, तो इट्स नॉट लाइक यू ओनली लाइक इट बिकॉज़ ऑफ अस, देयर आर समटाइम्स द परफॉर्मर्स आल्सो एपिक, तो एनी लिटरली एनीथिंग कैन हैपन। इन द फर्स्ट गाय हु वाज अनप्रेडिक्टेबल वाज हर्ष काला। हर्ष काला वाज अनप्रेडिक्टेबल, वो लड़की जो आई थी जिसको जेफरी दामर पसंद था। हां मुझे ब्लो जॉब देना बहुत पसंद है क्योंकि ये होता है वो होता है, उसने थोड़ा थोड़ा किया। समय यार, I know I signed that form, but can you please not put that? My parents will see. मैं कहा यार, no stress यार, तू ऐसे तू stage पे बोल दे तो we would not put. So the idea is not to fuck them over, ना यार, the idea is to have fun and ये वो. एक बंदा, एक magician आया था कल, उसका magic act खराब हो गया था बेचारे का, लेकिन उसने फिर बोला कि भाई मेरा career fuck हो जाएगा if this comes out, so we didn't put it out. Happens a lot, yeah. Like, it's a general thing. We care about everyone. It's not like we are sitting and a TV show. Yeah, we are not a TV show.
लेटेंट के कारण कितने लोगों का मतलब यू नो उस वो सूर्यांश एंड नमन एंड कितना पॉपुलैरिटी मिल गया उन लोगों को एंड लाइक दे डिजर्व इट सो हैप्पी मुझे तो कितने लोग ने अपने यू नो दोस्तों लोग भी बोले कि यू शुड साइन देम नाउ एंड देन यू शुड ओपन अ एजेंसी आई एम लाइक दैट्स नॉट द गोल यार द गोल इज नॉट टू कैपिटलाइज ऑन देम द गोल इज टू जस्ट गिव लाइक हैव फन वी गेट लाइक पीपल लाफ आउट वी हैव अ ग्रेट टाइम हमें भी फायदा हो रहा है मजा आ रहा है लोग को हमारा शो देखने में उनको भी फायदा हो रहा है एंड देन लेट देम डू व्हाट दे हैव टू डू विद इट वी आर ऑलवेज हियर इफ दे नीड एनी हेल्प बट द आइडिया इज नॉट टू मेक दिस यूजुअली क्या होता है रियलिटी शो में इफ यू विन देन दे मेक यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट फॉर वन ईयर नाउ यू हैव टू ओनली डू लाइक दिस ये वो दैट्स ऑल आई थिंक दैट जस्ट कट्स द विंग्स ऑफ द आर्टिस्ट एंड वी हैव सीन दैट सो मच अराउंड अस दैट वी डोंट वॉन्ट टू डू वी वॉन्ट टू डू एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट वी वॉन्ट टू कंप्लीटली अगेंस्ट दैट वी वॉन्ट एम्पावर द पीपल the artists because already artist hona is so difficult to make money and everything and we just want to eat snacks on stage yeah that's the second reason you know that's the goal kitne wo bhai hard shivam I mera to dream hai ki ye log sab bhai ek point pe aake stadium beche mast ticket beche maza kare We have a new community of people who are very funny, very talented. Because that also inspires me, to be honest. Yeah. मैं क्या करूँगा उनका उनकी एजेंसी बना के उनका 15% लेके क्या मिलेगा मुझे उससे भाई हेडेक जैसे चल रहा है बेस्ट आई थिंक बेस्ट चल रहा है मजा आ रहा है लाइफ इज गुड I so much love from so many people, so many types of people. I am having the time of my life. My parents are happy. मेरे parents को अभी हमने story डाली थी story views में बहुत आ रहे हैं तो my mom is getting recognized. उनको airport पे रोकता है कोई बोलता है कि यार आप समय की मम्मी हो उनको कितना खुशी होती है. Everything is going good यार touch wood. I mean हाँ आपका वो video था ना आप मम्मी को बोल रहे थे कहीं दोस्त के पास जा रहा हूँ और फिर आप घर चले गए थे बड़ा सही था वो तो people like समझे इतना प्यार मिल रहा है life में तो और क्या चाहिए यार पैसा है प्यार है और क्या like life is over complete now time to just cruise control and just keep bettering yourself as a artist that's all I need to do and don't go on any weird platform like stake वो तो मैं करता ही नहीं सही बोल और ट्विटर आपको अच्छा चाहिए भाई तो मैं दो तीन अच्छे अच्छे पेजेस भेजता हूँ फॉलो करो और रेगुलरली नहीं भाई मुझे 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 इन शॉर्ट्स फॉलो करता हूँ मैं न्यूज़ के लिए बहुत सही ऐप लगता है और लोग अभी ट्विटर ट्विटर से मेरे को लगता है नेगेटिविटी है मेरी लाइफ में तो मैं हटा दिया ट्विटर रेडिट अरे ट्विटर पोर्न आप डिस्कवर नहीं किया इसलिए भाई ऐसा पोर्न देखने के लिए मेरा मेरा मेनोपॉज चल रहा है भाई मेरा हो गया है भाई पोर्न वन अभी मैं नहीं हूँ इस सब में अभी भाई मेरा रेडिट पे जो है भाई 30-30 सेकंड का बेस्ट क्लिप्स मैं भेजता हूँ आपको अरे यार रोहित मिश्रा यार तू आ भाई लेटेंट पे मैं आता हूँ मुंबई में आना होता है किसी का पॉर्न भी होता है क्या भाई क्रेजी पॉर्न होता है भाई आप जो भी कीवर्ड्स होते हैं पॉर्न के भाई जो भी आपके दिमाग में आता है वो सर्च करो और NSFW ऑन कर दो ऐसा ऐसा सुंदर क्रीप है भाई तू यार भाई क्या क्रीप है भाई मैं आपको खुशी देना चाह रहा हूँ भाई आप मेरे को क्रीप बोलती है भाई नॉलेज दे रहे हो आपको कैसे पता खुशी अच्छा समय आर यू एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम और एनीवेयर लाइक व्हिच प्लेटफॉर्म लाइक आर यू मोस्ट एक्टिव ऑन अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब इंस्टाग्राम ओनली आई लव टू सी मीम्स आई लव टू सी स्टोरी मेंशंस आई लाइक टू यू नो आई लाइक टू यूज इंस्टाग्राम आई लव इट व्हाई No, no, just asking because you were saying that you are not active on Reddit and Twitter and also... No, I'm not active. In the middle, I had become active because some people were... I just feel sometimes that some people have just misunderstood me as a person and then they keep hating and then I just love doubling down because I love playing that game. So I just had downloaded to see that ye sab chal raha hai, and then I saw and I was like, okay, let me fuck around. तो उसी के लिए खोला था मैंने फिर आई वाज लाइक यार मैं क्या ये नेगेटिव स्पेस में जा रहा हूं ये यू नो सो देन आई डिलीटेड इट बट आई एवरी वंस अ ईयर आई डाउनलोड इट आई सी लेटेस्ट क्या चल रहा है देन आई शिट ऑन समवन देन आई डिलीट इट अगेन भाई बट विद ऑल दीस लाइक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मतलब कोई कुछ ना कुछ क्लिप देखकर ऑफेंड हो ही जाता है लाइक इफ दे डोंट नो यू मतलब हैव दे नॉट सीन योर वर्क और किसी भी आर्टिस्ट का वर्क इन दैट मैटर
तो कोई भी क्लिप देख के लोग ऑफेंड हो ही जाते हैं, तो लाइक यू कांट कीप एवरीवन हैप्पी आल्सो. या आल्सो आई थिंक दे डोंट रियलाइज दैट एज अ कॉमिक व्हेन यू आर ऑन स्टेज यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर मैन, यू आर शोइंग देम अ मूवी व्हिच इज स्क्रिप्टेड व्हिच यू हैव रिटन एंड यू आर नॉट देयर टू सेंड अ मैसेज. मेरे को कोई पॉश वर्कशॉप नहीं देना है भाई स्टेज पे बैठ के, मैं वहां पे GTA खिला रहा हूँ भाई. ये गैंग्स ऑफ वसीपुर देखने आए हो तुम, अपना तुम्हें पसंद है तुम देखो, नहीं देखना है नहीं देखो भाई, बस बात खत्म, समझ रहा है. बट आई ऑल्सो लुक एट इट दिस वे, जितना मेरा फ्रीडम है जोक मारने का, उतना ही किसी का भी फ्रीडम है मेरे बारे में कुछ भी लिखने का, फिर समझ रहा है. हाँ हाँ, बट देन द आर्गुमेंट, लोगों का आर्गुमेंट ये है कि यू नो पंचिंग डाउन मतलब डोंट पंच डाउन ऐसे करके, मतलब यू आर ऑलरेडी वेरी प्रिविलेज्ड, यू हैव योर स्टेज, मतलब लोग यही बोलते हैं. करेक्ट करेक्ट, बट आई फील दैट इफ द जोक इज वर्थ इट, एनी पंचलाइन कैन, एनी सेटअप कैन मेक यू लाफ इफ द पंचलाइन इज वर्थ इट. या हां, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, कि लोग हंस रहे हैं. फॉर मी एज एन आर्टिस्ट, दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी, इज दैट इफ आई कैन मेक समवन लाफ विद अ पंचलाइन. भाई समझ रहे हैं, मेरे लिए मेरे जो रियल लाइफ में मेरे मॉरल्स है, इफ यू मीट द वुमेन इन माय लाइफ दे विल ऑल टेल यू वेरी नाइस थिंग्स अबाउट मी, बट मेरा जो जोक्स है वो जोक्स है भाई, वो उसका मतलब ही मजाक है भाई, मजाक, तो समझ रहा है. उधर से कोई मैसेज लेने के लिए मत आओ भाई मेरे शो में, तुम मेरे शो में हंसने आओ बस. मेरे शो में आ रहे हो तो डोंट थिंक कि ओ इसका ये भाई, तुम गैंग्स ऑफ वसीपुर देख रहे हो, तुम थोड़ी सोचते हो कि भैंचो इसका ये था भाई. मूवी है, मैंने मूवी लिखी है, इस मूवी में मैंने खुद को इस तरह के डायलॉग्स लिखे हैं. कोई और मूवी में लिखूंगा जिसमें मैं अपना दूसरा साइड दिखाऊंगा, उसमें तुम्हें वो दिखेगा, फिर कोई और मूवी लिखूंगा. अब तुम भैंचो एनिमल मूवी देख लिए, अब तुम मैं रणबीर कपूर को थोड़ी हेट करोगे कि भैंचो रणबीर कपूर ऐसा था. नहीं भाई, वो उस मूवी में ऐसा था, मैं उस जोक में वैसा था, तू समझ रहा है. ये पार्ट लोग को नहीं समझ में आता है क्योंकि वो लोग नहीं देखते स्टैंड अप को वैसे, उनको नहीं पता है कि ये जोक हम हजार बार करके वी आर ट्राइंग टू जस्ट मॉडिफाई दैट जोक एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट ये वो. दैट्स अ लॉन्ग थिंग एंड कॉमेडी में ये हमेशा एक डिबेट रहा है कि डज कॉमेडी हैव टू बी फॉर अ पर्पस एंड फॉर अ ग्रेटर गुड एंड ऑल दैट. आई बिलीव दैट नो, कॉमेडी इज सपोज टू बी फॉर मेकिंग पीपल लाफ एंड दैट्स माई जोन भाई. And I think it's like a choice, na? मतलब किसी को क्रांति के लिए करना है. अगर तुम्हें देखना है, तुम भाई कल को पॉन भी देख सकते हो, तुम्हें देखना है कल को तुम फ्रीडम फाइटर मूवी भी देख सकते हो, तुम्हें देखना है तुम एकदम गुस्से वाली मूवी देख सकते हो, तुम्हें देखनी है तुम एकदम फील गुड मूवी देख सकते हो, तुम्हें देखना है तुम एकदम सुपर बैड अमेरिकन पाए देख सकते हो. तुम्हें जो कॉमेडी इज एन एस्केप, तुम लोग सब काम करते हो दिन भर 10 चीजें करते हो, तुम्हें एक एस्केप चाहिए. तुम बेंचो आते हो एस्केप, तुम एस्केप पे जाओगे उधर भी तुम्हें बता रहा है कि दोस्तों गरीबों को खाना खिलाना, सबको अच्छे से रखना, ये सब वहां भी यही होगा, तो फिर तुम बकचोदी करने कहां जाओगे यार. बकचोदी करने तो आ रहे हो तुम स्टैंड अप शो में यार, दुनिया के गम बोलने तो आ रहे हो तुम. वहां आके मैं तुम्हें बताऊं कि यार देखो माँ बाप के पैर छुआ करना, नहीं भाई वो मैं तुम्हें रियल लाइफ में बताऊंगा भाई, तुम मेरे से रियल का भी बात करो ना. स्टेज पे मैं बकचोद, मैं एक जोक लिखा है जो जोक जोक है भाई वो, उसका वो देखा तूने जिमी कार का, बहुत फनी एक इंटरव्यू में बोलता है वो, ऐसे बोलता है कि कोई मुझे पूछेगा तो मैं बोलूंगा आई एम सॉरी, तो वो बोलते हैं उसको कि बट हाँ तूने यू डोंट मीन इट, तो फिर जिमी कार बोलता है या सो यू आर सेइंग दैट आई कैन से समथिंग विदाउट मीनिंग इट. या No, at the same time, you would see this animal का आपने example लिया कि people admire him for his acting, कि यार वो कितना अच्छा actor है, message मतलब मैंने बहुत spaces में ये चीज सुनी है कि they were admiring Ranbir, क्योंकि मुझे वो movie पसंद नहीं आई थी to be honest, but सब लोग Ranbir की बहुत तारीफ कर रहे थे कि उसने acting को role को जिया है, but at the same time वो comedians को personify करने लग जाते हैं कि oh this is what they are writing, this because is what their thought process because is. They think that you are just saying that as a समय रहना, तो समझ रही है. Because अब my character is a very subtle exaggeration of who I am, but that's not who I am. You understand? जैसे तूने नमन अरोरा को देखा ना, नमन अरोरा is a completely clearly is a character, right? Some characters are clearly characters, but some characters are just an exaggerated version of yourself. So it looks like it's you, but it's a character still. These are still lines that you have written. This is still a script, still a joke. It's still something you have made. So that's it gets tricky to understand for people, and that's okay. I feel
and but at the same time you see the cringy content and anything on Instagram will get the most of the reach because people are liking it okay but at the same time they don't want to accept it publicly ki nahi hame acha lag raha hai publicly unko gudi gudi ke liye batana hoga no I don't like that guy because his content is not good at the same time they are liking and sharing it with their friend so that's the hypocrisy as well so yeah man I feel that you know people take themselves too seriously man they don't realize they're going to die in 70 years they are on a rock fucking on the what are we doing in this revolving around a ball of fire just become aware of what is happening bhai 70 saal mein marne wale hai bhai khush raho bhai khush raho try to improve your real life mein surroundings and try to not give a shit about fictional characters tum real life mein 5 log ki help karo bhai swiggy wala tumhare ghar aata hai usko 50 rupaye tip dega uski khushi dekho tum वो सब करो भाई माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो बाहर जाओ दोस्तों के साथ मजे करो दुनिया घूमो पैसे बचाओ सेविंग्स करो घर खरीदो चार लोग की हेल्प करो मुझे तो ये समझ में नहीं आता बचपन से तुम्हारे माँ बाप सब कुछ सिखा रहे हैं वो तो सीखा नहीं जा रहा है एक घंटे की मूवी देख के कैसे तुम सीख रहे हो बुरी चीज अच्छी चीज तो 50 साल से बोल रहे हैं वो सीख नहीं जा रही तुमसे मुझे तो भाई कुछ लोगों ने ऐसा भी लिखा कि तेरे जोक्स की वजह से ही फिर ऐसी चीजें होती है अपने देश में मैंने कहा भाई यार फिर तो GTA देख के मर्डर होने चाहिए इंडिया में भाई हैं गैंग्स ऑफ वसीपुर देख के तो फिर कत्ल होने चाहिए नहीं भाई इट्स आर्ट इट्स अ फकिंग फिक्शन इट्स अ मूवी व्हाई यू ट्राइंग टू व्हाई यू टेकिंग अ मैसेज फ्रॉम इट यार इट्स अ वाइब दैट यू वांट टू गो टू इट्स लाइक अ म्यूजिक समटाइम्स आई फील आई एम फीलिंग वेरी एंग्री एंड एम्बिशियस आई एम लिसनिंग टू Eminem द वे आई एम बैंचो ट्रिप कर रहा हूं गुस्से में यार वाइब कर रहा हूं इट गिव्स मी एन एस्केप एंड आई एम बैक तो वही है बट इफ यू सिट डाउन एंड यू टेक आउट द लिरिक्स ऑफ Eminem एंड यू आर लाइक भाई इसने ऐसे कैसे बोल दिया भाई ये क्या बोल रहा है तो देन यू गेट फक्ड या कितने ऐसे एक्सप्लिसिट गाने होते हैं तो बट दैट इज जस्ट फॉर यू टू फॉर हिम टू मेक यू फील दैट वे बट या वो लोग स्टैंड अप को मोनोलॉग की तरह ट्रीट करते हैं ना उनको लगता है स्पीच देने आ रहा है बंदा माइक लेके एंड यू कांट ब्लेम देम ना बिकॉज़ दे आर अनएक्सपोज्ड टू इट दे डोंट नो एनी बेटर इट्स नॉट लाइक दे आर पर्पसफुली सेइंग लाइक दैट दे जस्ट डोंट नो एनी बेटर लाइक आई हैव दे आर एक्चुअली आई हैव ग्रोन टू लर्न दिस थिंग दैट नो वन इज स्टूपिड नो वन इज डंब they are just unexposed once they get exposed then they will understand correct sabka context alag hai na zindagi ka so it's just that exactly mere ko pehle lagta tha ki yaar ye kya dumb aadmi hai fir mere ko bahut maine socha is bare mein I realized no they are not dumb they just don't know any better ha bhai bhai samay bhai aap pani piyo bhai aap aisa pessimistic note pe neend pe nahi aa sakte bhai kya bol rahe the gadal No, I was saying they are actually like our mom, जो बचपन में सोचती थी अक्षरा सच में मर गई, so they are actually like that कि उनको लगता था कि अक्षरा मर गई। मिहिर वापस आ गया यार। मिहिर का पुनर्जन्म हो गया है, so they are like that। Yeah। इसीलिए मुझे मेरी मम्मी अच्छी लगती है। ये सीरियसली। महीप जी को भी। नहीं। यार प्लीज। Maheep ji are you planning to like call on Maheep again yeah with Rakhi Sawant why not ye sahi hai Rakhi Sawant and Maheep Singh will be crazy combination I think me Maheep Singh Rakhi Sawant and Ashish Solanki what a panel crazy bhai craziest panel ever acha by the way guess whose manager called me today Mallika Sherawat Oh damn, bro! It's gonna be crazy if she comes. Crazy, bhai. बहुत मजा है. भाई मलिका शेरावत तो India's Got Talent में भी बैठी हुई थी ना the judge if I'm not wrong. हाँ क्या? Oh, why crazy. भाई अभी YouTube में मैं India's Got Talent सर्च करता हूँ तो latent की वीडियोस आती हैं. Oh shit, man. सूना कर दे हमको भाई वो लोग बट. नहीं. हमें जाकिर सर को भी बुलाओ ना. जाकिर भाई तो अभी वो बहुत बड़ा शो कर रहे हैं टीवी पे आपका अपना जाकिर आई हैव नॉट मेरे पेरेंट्स तो देखते रहते हैं बट मेरे को अभी आई हैव नॉट सीन आई सॉ लाइक लिटिल बिट ऑफ इट आई रियली आई एम हैप्पी फॉर जाकिर भाई यार इट्स अ वेरी नाइस फैमिली शो लाइक इट्स गुड बढ़िया है वो या मुझे तो जाकिर सर बहुत ज्यादा पसंद है हाँ जाकिर भाई इज क्रेजी भाई उस पे भी अगेन लाइक पीपल आर यू नो ओ यार टीवी यू नो व्हाई ही इज लाइक अरे भाई टीवी पे देयर सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस डू इज किलिंग इट is paving the way for so many of us
अरे तो ठीक है ना, अगर कुछ नहीं मतलब अगर कुछ अच्छा कुछ भी करेगा तो सही बंदा, एक बार चले ना हाँ चले वो तो बात की बात है, पहले ट्राई तो करेगा ही। करेक्ट करेक्ट। वो कहा वो पोएम याद आती है हमेशा, तुमसे जलते हैं लोग सिखाओ हमें भी तरीका। मुझे तो ये याद रहता है कि कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ तो लोग कहें, मैंने जब नमन अरोड़ा के लिए हेट देख लिया ना, अब मेरा लाइफ का पर्सपेक्टिव बदल गया। यार वो तो मैं जो इतना सही इंसान था, मतलब इतना सही किया उन्होंने, लोग हर ऐसे एक लिख रहे हैं उसको मिनट पे कि हंसे हैं हम। लोग ऐसे लिख रहे हैं कि ही इज सो ओ मैन, ये तो असली में ऐसा निकला। अरे भाई क्या, वही तो उसका परफॉर्मेंस है ब्रिलियंसी वो। है, वही तो और उसका इवन खास बात। चीटी चीटी हाथी वाला उन्होंने कितना मतलब उसको कितना लंबा करके पूरा ऐसे ऐसे लिख दिया उसपे, मतलब भाई इतनी सही में आफ्टर अ बहुत सही लॉन्ग कॉमेडी। टाइम आई एम एक्साइटेड अबाउट समवन इन द स्टैंड अप सीन। मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ, 7 सितंबर को मेरा शो है मुंबई का, मेरे अपने से मैं पहली बार कर रहा हूँ षणमुखानंदा हॉल, एंड मैं खुद से ज्यादा उसके लिए एक्साइटेड हूँ कि उसके 10 मिनट देखने हैं मेरे को बस, कि वो कैसा करेगा, क्योंकि उसका भी पहला है 2700 सीटर में। इट्स गोना बी सो कूल भाई, टू वो जो चीयर आएगी, आई कैन आई मैं तो प्रॉपर व्लॉग व्लॉग बनाऊंगा उसका भाई, उसका इंस्टा पे डालेंगे फिर कोलैब में। जस्ट इमेजिन लाइक अ होल 2700 पीपल चीयरिंग फॉर यू एंड यू हैव नेवर परफॉर्म फॉर मोर देन 100 पीपल। क्रेजी क्रेजी भाई, व्हाट वुड दैट फील लाइक मैन, फक आई वुड गिव एनीथिंग टू फील टू बी इन हिज शूज। व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना बड़ा क्राउड का, मतलब यू आल्सो ओपन फॉर समबडी? Yeah, I opened for somebody, but it was more like no one knew me right then when it was Upmanyu. I was opening for Upmanyu in during Comic Stan. Basically, Comic Stan में मेरा फिनाले तक आ गया था, मैंने सेट रेडी था मेरा गुटका मुकेश वाला, बट मेरे पास जो फिनाले था वो रॉयल ओपरा हाउस में था, विच इज 700-800 सीटर, एंड आई नेवर नॉट डन मेनी ऑफ दोज। तो Upmanyu वॉज ऑन अ टूर, तो मैंने Upmanyu भाई को रिक्वेस्ट किया था, भाई मेरा कॉमिक स्टैंड आ रहा है, क्या मैं आपके लिए ओपन कर सकता हूँ, मैं सिर्फ 5 मिनट ही करूंगा, प्लीज मुझे दे दो। Upmanyu वाज वेरी स्वीट, ही सेड यस प्लीज कम। वापी गुजरात में अहमदाबाद एंड सूरत, सम 4-5 शोज ही गेव मी देयर। तो आई वाज, मैं लाइफ में पहली बार ऐसे बसों में जा रहा हूँ, स्लीपर बसों में सो सो के यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, जस्ट यू नो एंड रीचिंग, एंड आई जस्ट वेंट ऑन स्टेज, गिव इट अप फॉर द ओपनिंग एक्ट। समय रहना लोग पहले एक्साइटेड, फिर दे हैव नो आइडिया, सो दे द चेयर जस्ट गोज अप एंड गोज डाउन बिकॉज दे थिंक Upmanyu इज गोना कम। गिव इट अप, आर यू रेडी फॉर कॉमेडी, हु आर यू रेडी फॉर कॉमेडी, हु गिव इट अप फॉर हु, समय रहना है। तो उसके बाद यू गो एंड आई हैड टू हैव दैट किलर जोक एट दैट टाइम, ओपनिंग जोक से लाफ, देन सेट एक बार शुरू होता था तो किल होता था, बट इन नमन अरोड़ा केस ही विल गो ऑन स्टेज, 2700 पीपल, एवरीवन नोज हिज नेम, एवरीवन इज फकिंग रूटिंग फॉर हिम, that will feel like I don't know how that will feel, man. I don't know that feeling. It's crazy, man. I have performed, I have got the cheers for 5,000 people also in Pune Comedy Festival, but I got used to it and then I went there. No, he's never been used to it, so he's gonna have the time of his life on stage. Yeah, he's gonna have the time of his life. मैं तो देख रहा रहूंगा उसका सेट साइड से भाई, प्रॉपर। We sold that show out long ago. अभी और एक ऐड किया मैंने 21 सितंबर को, वो भी सोल्ड आउट हो गया। I'm sure हमें चंडीगढ़ में भी करो कभी शो। चंडीगढ़ में करूंगा यार, चंडीगढ़ में आई टैगोर थिएटर से तो मैं बैन हूँ, बट कंटेंट माय लेडी कंटेंट। ओके अभी एक और है यहाँ पे टैगोर के अलावा, अभी वहाँ मैं नाम भेजूंगी तो देखना। कितने सीटर है? पंचकुला में जाकिर सर का शो हुआ था लास्ट ईयर, मैंने मैंने किया है वहां पे, बट दैट्स अ स्मॉल सीटर ना, सर 400-400 सीटर। नहीं 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 पंचकुला में है यार, पंचकुला में किया मैंने, किया है वो रूम। ओके ओके ठीक है, वो जो है ना जिसमें बालकनी भी है ऊपर। हां वही वही वो वो किया है मैंने, बहुत अच्छा रूम है वो, पर थोड़ा छोटा है वो, 350-400 सीटर। ओके मैन, दिल्ली कर लेना। हां दिल्ली कर लेना फिर, दिल्ली कर रहा हूँ ना अभी, परसों ही कर रहा हूँ। अच्छा ओके, तुम लोग में से आ रहा है कोई? परसों तो नहीं आ पाऊंगी, पर सोल्ड आउट हो गया। अबे तो आना, गेस्ट लिस्ट में आता हूँ देखो। सुप्रीति आ रही है तो तेरे बॉयफ्रेंड के साथ? अरे बॉयफ्रेंड नहीं है। अबे था तो तेरा अभी तक? नहीं। अच्छा लास्ट यार, नहीं फिर तो और भी अच्छा होगा, लास्ट ईयर था वहां के, शायद मिल जाए, हु नोस। हाँ वहाँ के कोई तो मिल जाएगा तेरे को। बढ़िया। अच्छा हाँ, I was saying that when's that बसी episode coming? मैं उस शो पे आई थी।
नो विनर यार यू फॉलो अच्छा मेरे को याद नहीं मे बी आई विल पुट इट इन मेंबर्स ओनली चलो मैं सोता हूँ यार अब ना मैं आधे घंटे के लिए आया था फिर मैं बातों में लग गया आई हैव नॉट स्लेप्ट वेल एंड आई एम वेरी टायर्ड आल्सो टुडे तो इसलिए लो एनर्जी पे हूँ मैं अभी बट थैंक यू सो मच यार एवरीवन ऑन द स्पेस रियली आई एम जेन्युइनली हार्ट कैसे मैं बोलूँ दिल से थैंक यू टू एवरीवन बहुत सारा प्यार मिल रहा है बहुत ज्यादा सारा सो थैंक यू सो मच फॉर दैट यार इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड जस्ट दैट्स ऑल बाय बिकॉज आई एम जेन्युइनली डूइंग शिट from my heart and I am not caring about ki bhai main kya gaali ya censor karun ye karun brand kaam karega nahi karega to tum log pyar kar rahe ho tum log dekh rahe ho bol ke hi mera career hai bhai jis din tum log ne dekhna band kar diya na mera main koi corporate show mein nahi jata hu na mere ko koi brand lega fir to I am just going with the flow trusting you all to bas thanks to you also keep supporting and I'll keep being myself man The day you stop supporting, you will see me do. Dosto, boss aise bolta hai, fir employee aise karta hai, fir I'll do that comedy. Thank you so much, Ara, for every.